हाय गाइस, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे, सो आज मुझे देखने का टाइम था बिकॉज वीकेंड है, इसलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सी एस से रिलेटेड ऑब्वियसली, करियर से रिलेटेड, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हो रहा है मैं तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो तुम लोगों को उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं तो तुम लोग पूछते हो। अभी तुम लोग में से बहुत सारे लोग हो सकता है स्टूडेंट हैं, इसलिए तुम लोग को ऐसे डाउट्स हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक बार खुद ही काम करना स्टार्ट करोगे, ट्रेनिंग में या फिर जॉब में, तो बहुत सारी चीज़ें जब फेस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है तब भी अराइज़ हो। सो अच्छा, ये काम की चीज़ है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में सीएस के पास करप्शन से पैसे अर्न करने का कोई चांस या स्कोप होता है क्या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में? ओके, एक इमेज है कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट का एंटिटी है तो करप्शन या ऐसा कुछ होगा। इट्स जस्ट ये मूवीज़ में देख के हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें भर गई हैं, बट लेट मी टेल यू कि गवर्नमेंट इज़ अंडर द रेडार ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक की आइज़ में वो रहता है। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट में ऐसी कोई चीज़ें होती हों इंटरनली जो हमें एज अ पब्लिक नहीं पता चलती हैं, बट दैट डजेंट मीन कि सब करप्ट ही है, सब ख़राब ही हो रहा है। बिकॉज जो मैंने तुम लोग को अपने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि गवर्नमेंट कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको मिनिस्ट्री, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यही लोग अपॉइंट करते हैं। सो दे आर मोस्टली IAS ऑफिसर्स, मतलब वो UPSC क्लियर्ड पीपल होते हैं। वो लोग बहुत ही, उन्हें अपना प्रोफाइल एकदम क्लीन रखना होता है। ब्राइब देने का कोई गलती भी अगर करेगा ना तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। जब मैं रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में काम करती थी MCA में, तो वहाँ पे एंटर करते ही एक चीज़ लिखी होती थी कि ब्राइब देना और लेना की गलती करना भी हुआ था, वार्निंग लिखी हुई थी वहाँ पे, समझ रहे हो? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपना काम करवाने के लिए या फिर डाउट पूछने के लिए कि फाइल, हमने फॉर्म फाइल किया है मैम, इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसीजर है, क्या पेंडिंग है। सो उसमें क्लियरली मेंशन रहता है। इसीलिए करप्शन वगैरह ये सब मूवीज़ में देख के तुम लोग गलत चीज़ों को मत अज्यूम करो। गवर्नमेंट में काम करोगे बहुत मज़ा आता है, बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। मुझे एज अ ट्रेनी जैसे 20,000 रुपये मिलते थे, मुझे इतने बेनिफिट्स मिले इट्स अनबिलीवेबल। बट हाँ, गवर्नमेंट में घुसना थोड़ा मुश्किल है। SSC UPSC ये वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये सब देने पड़ते हैं, उसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहता है। लेकिन अगर CS बन गए ना तो डायरेक्ट एंट्री भी होती है। डायरेक्ट एंट्री के लिए आपको कुछ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। सो करप्शन वाला क्वेश्चन, आई होप इट्स क्लियर कि ऐसा कुछ भी नहीं है करप्शन वगैरह, और अगर होता भी है तो वो पब्लिक के आइज़ में आता नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता। एंड आपने जिस स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में आर्टिकल की थी उसमें असिस्टेंट CS की सैलरी राउंड कितनी थी? ओके, सो उसमें असिस्टेंट CS थी, उसकी सैलरी 40,000 थी। एंड मैं तो एक पब्लिक कंपनी में हूँ अभी, तो मेरी तो 60,000 है इन हैंड। सो गवर्नमेंट में हाँ, पैसे तो थोड़े कम ही मिलते हैं, बट उन्हें और बेनिफिट्स मिलते होंगे। हम मेरी कंपनी का जो है MNC टाइप का कल्चर है, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा टीम्स में काम होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू काम होता है एंड एवरीथिंग, एंड कैब फैसिलिटी मिलता है पूरा, एंड मॉर्निंग शिफ्ट्स होते हैं कुछ लोगों के, नाइट शिफ्ट में, तो मॉर्निंग शिफ्ट ऐसा कुछ नहीं है मुझे। एनीवे, सो या आई होप दैट क्लियर्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी CS प्रमोट को कर डायरेक्टर बन सकता है? ओ यस, डेफिनेटली। इसका एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट में जो होता है टॉप में जो अभी मैंने बोला बोर्ड में जो बिठाते हैं वो उसको गवर्नमेंट वाले ही अपॉइंट करते हैं। उसके लिए आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय होना चाहिए, और गवर्नमेंट में घुसने के लिए आपको गवर्नमेंट के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सो एज अ कंपनी सेक्रेटरी हाँ, हो सकता है बन भी सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई UPSC SSC या कोई स्टेट या सेंटर का एग्ज़ाम दिया तो 100% आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली बनाए जा सकते हो डायरेक्टर, 20-30 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन अब मैं रियल में बताती हूँ, एक लिस्टेड कंपनी जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ, इट्स अ पब्लिक कंपनी, उसके एसोसिएट एक लिस्टेड कंपनी है, तो उसके जो CS हैं वो वाइस प्रेसिडेंट प्रमोट कर दिए गए हैं उस कंपनी के, मतलब वो अब नाउ इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज द कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस हेड ऑफ द एंटायर लिस्टेड कंपनी। एंड वो मुझे भी गाइड एंड असिस्ट करते हैं अगर मुझे कोई डाउट होता है अपने, बिकॉज हम उन्हीं का एसोसिएट हैं हम लोग, बिकॉज डायरेक्टर सेम होते हैं, शोल्डर सेम होते हैं, तो आप एसोसिएट्स बन जाते हो, ठीक है। तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, एंड मेरी जो प्रोफाइल है इट्स कॉल्ड CS एंड लीगल, कंपनी सेक्रेटरी एंड लीगल। तो वेबसाइट में उस कंपनी के जब भी लिख के आता है मेरा नाम तो उसमें आता है जो भी मेरा नाम है एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड लीगल, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके अभी इसमें बचा है, एंड सीएस का स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में ग्रोथ अच्छा है क्या? या स्टेट गवर्नमेंट में यार ग्रोथ और गवर्नमेंट का क्या ही बात करें, इंटरनली थोड़े बहुत पॉलिटिक्स होते हैं. कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड इतना मुझे नहीं पता है, बिकॉज मैं उस स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ एक मंथ ही थी, उससे ज़्यादा मैंने नहीं टाइम वहाँ पर स्पेंड किया. उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि हिंदी में काम होता था, मुझे नहीं सूट किया वो चीज़, ठीक है. और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक दिन में नहीं होगी, एक हफ्ते में नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगी, एक साल में भी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है ना. आपको काम सीखना पड़ता है, आपको पेशेंटली कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओ, स्टेट, सेंटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, किसी भी कंपनी में जाओ, उसमें आपको अपनी लॉयल्टी, अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि जिन लोगों ने आपको हायर किया उनको लगे कि हमने, हाँ हमने एक ऐसे बंदे को हायर किया जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रख सकते हैं. अगर तुम साल ख़त्म होने से पहले ही तुम सोचने लगो कि यार मेरे को दूसरी अच्छी बेटर जगह जाना है, तो बेटर जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है ना. देर इज़ नो सच थिंग कि ऐसा कुछ बेटर मिलेगा, और उससे कुछ गारंटी भी नहीं है कि अगला इससे बेटर होगा या कम होगा. इट्स जस्ट दैट तुम्हें जहाँ भी जा रहे हो तुम अपने अगर 100% एफर्ट्स डाल रहे हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तुम्हें अपना बिहेवियर एक एक्सपर्ट जैसा रखना होगा. तुम कहीं भी जाओ यू शुड, तुम्हें ऐसा सोल्यूशन ओरिएंटेड हमेशा अपनी बात रखनी चाहिए किसी के भी सामने, तो उसे लगेगा कि हाँ यार इस आदमी को हमें अपने साथ रखना है फ्यूचर के लिए भी, बिकॉज ये हमें सही गाइड करेगा एंड कंपनी सेक्रेटरी का काम ही हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में जो क्वालिफाइड सीएस थे, ओके, वो सिर्फ प्योर सेक्रेटेरियल वर्क में इन्वॉल्व रहते थे या फिर दूसरे? ओके, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन. डिसीजन मेकिंग ऑल दैट, ओके, तो इसके बारे में बता देते. देखो, जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है एक कंपनी में, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं. और ये जो वहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरी थे उस स्टेट गवर्नमेंट कंपनी में, तो यस, वो प्योर सेक्रेटेरियल वर्क ही करते थे, यानी कि बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड एजेंडाज बनाना, नोटिस बनाना, मिनट्स बनाना, साइन कराना. एक्चुअली गवर्नमेंट में होकर उनका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि ये ना, जब कोई भी जैसे नोटिस अगर इन्होंने बना लिए, इन्हें जाके अगर 10 डायरेक्टर्स हैं, जाके फिजिकली इनको अपने उसमें कार में जो एम्बेसडर होती है बैठ बैठ के जाते थे. मैं भी एक दिन गई थी इनके साथ असिस्ट करने, इनको जाके एक एक डायरेक्टर को समझाना पड़ता था, साइन लेना पड़ता था. वो लोग उसमें बहुत सारे डायरेक्टर साइन भी नहीं करते थे मिनट्स वगैरह में, बोलते थे कि नहीं मुझे, मैं आई वॉज नॉट प्रेजेंट और आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट, ऐसे बोल के मना कर देते और टहलाते रहते थे बहुत ज़्यादा. तो ये तो एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे, ठीक है. उसके बाद तो या उनका प्योर सेक्रेटेरियल वर्क ही था, बट मुझे लगता है कि उनका काफ़ी बोरिंग प्रोफाइल भी था, मुझे इतना उनका पसंद नहीं आया. बिकॉज यहाँ सीएस की कोई चलती नहीं है ज़्यादा, जो भी डिसीजन बोर्ड ले रहा है आपको बस ये कहा जाएगा कि क्या, आपको बस ये बताना है कि क्या ये लीगल है या नहीं, और अगर नहीं है लीगल तो लीगल बनाओ या फिर जो भी है उसके बारे में बताओ. जो भी नॉन कंप्लायंस अगर हो जाएगा तो उसको क्या उसके रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह हैं, उसे बताओ, दैट्स इट. तो इनका तो कुछ खास मुझे नहीं लगा, आई फेल्ट इट वाज वेरी बोरिंग, ठीक है. एंड या फिर दूसरे काम फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं. हाँ, अब मैं अपने कंपनी के बारे में बताती हूँ. जो भी मैंने बताया ना, जो लिस्टेड कंपनी के हमारे जो कंप्लायंस ऑफिसर हैं, जो सर हैं, जिन्होंने ही जो मुझे CLDP में मिले थे, उन्होंने ही मुझे अपनी ही एसोसिएट कंपनी के बारे में बताया कि हमारे पास वैकेंसी है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब यू कैन कॉन्टैक्ट मी. एंड उन्हीं के थ्रू मैं इस कंपनी में आई हूँ एज अ कंपनी सेक्रेटरी. तो वो जो सर हैं, अब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए और डायरेक्टर्स हर एक बात में उनकी एडवाइस लेते हैं, यस. और वो जो एडवाइस भी करते हैं ना, तो उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. उन्होंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस भी मुझे दिखाया था जो वो डायरेक्ट MD CEO को भेजते हैं कि ये बोरोइंग से रिलेटेड उनको कुछ डाउट हो रहा था कि क्या हमें बोरो करना चाहिए कि नहीं. तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसका मैं तुम लोगों को किसी दिन पेपर दिखाऊंगी, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया था. एंड इनकी जो प्रैक्टिकल एंड फैक्ट्स ओरिएंटेड जो बात होती है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है डायरेक्टर्स को. सो यस, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी का तो पता नहीं, आई थिंक कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. एंड अगर आप एज अ CS आप आपका विजन बहुत क्लियर है कि आप इस कंपनी में अपने आप को कहाँ देख रहे हो और आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो बोर्ड को, तो धीरे धीरे पहले खुद काम सीख लो, उसके बाद सोचो कि ओके क्या मैं भी बोर्ड की हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं. डिसीजन मेकिंग वगैरह तो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें आर्टिकलशिप में एक्सपोजर अच्छा नहीं मिला तो क्या जॉब में बहुत प्रॉब्लम होगा आगे? ओ, नॉट एट ऑल.
एक्चुअली आर्टिकलशिप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, वो मैं समझ सकती हूँ. बिकॉज जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी ना, 2000 रुपये मिलते थे मुझे, एंड कोविड का टाइम चल रहा था. आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम हो चुका था कम्प्लीटली फर्म में. तो मुझे ये लगता था, अरे यार प्रैक्टिकली जाके सीखने का तो फ़ायदा ही कुछ और होता, मेरा तो सब बेकार हो गया एंड ऑल दैट. सो आई वॉज़ वेरी पिस्ड ऑफ, आई वॉज़ वेरी अनॉयड बाय दैट. लेकिन फिर वहाँ पे मुझे जो भी काम मिलते थे, जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ हो गई, डायरेक्टर्स रिपोर्ट को एडिट करने का काम. अगर एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में बनाना है तो उसमें ईयर चेंज करना होगा, तो वर्ड फॉर्म में जाकर रिप्लेस करके ऐसे ऐसे करके करना होता है. तो पहले मुझे लगता था यार ये क्या बकवास काम मुझसे करवा रहे हैं, एडिटिंग का वर्क, ये तो प्रूफ रीडिंग वाला काम है, मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे डायरेक्ट बोर्ड के साथ बिठा दो एंड ऑल दैट नॉनसेंस. तो ऐसा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था. बट ट्रस्ट मी, छोटी से छोटी चीज़ जो तुम ट्रेनिंग में सीखोगे, वो तुम चाहे फॉर्म में करो या कंपनी में, उन्हें तुमसे 100 times ज़्यादा आता है प्रैक्टिकली. तो तुम्हें, तुम्हारा एम यही होना चाहिए कि तुम चाहे जहाँ भी जाओ, लेकिन तुम्हें जो उस आदमी को आता है तुम्हें उससे एग्जैक्टली वही सीखना है और उसको बेटर बनाना है बस, ताकि तुम उसको आगे यूज़ कर पाओ. बिकॉज तुम अगर ये सोचते रहोगे कि यार मेरी ट्रेनिंग बेकार हुई है, अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो ट्रस्ट मी, कंपनी सेक्रेटरीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन उतनी क्वालिटी के कंपनी सेक्रेटरीज़ नहीं हैं. वैसे कंपनी सेक्रेटरी बनने, अगर तुम्हें मेंबरशिप नंबर मिल गया, मतलब तुमने बहुत मेहनत करी है, यू डिज़र्व इट, ठीक है. तो मतलब तुम हो ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत बढ़िया बात है, इसीलिए कंपनीज ले लेती हैं. लेकिन अब तुम सस्टेन कैसे करोगे उस जॉब में, तुम रहोगे कैसे, वो डिपेंड करता है कि तुम कितने अच्छा तुमने अपने आप को एज अ कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन किया हुआ है. इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के चलना होता है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. जब आपने कंपनी ज्वाइन की एज अ क्वालिफाइड CS, तो क्या आपकी कंपनी वालों ने, तो क्या आपकी कंपनी वालों ने अलग से कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी टू मेक यू फैमिलियर विद द वर्क, इफ यस कितने दिन ट्रेनिंग? ओह नॉट एट ऑल. एक्चुअली आज मेरा, समझ लो मैंने लास्ट मंडे ज्वाइन किया है, ठीक है, मंडे को मैंने ज्वाइन किया है, मेरे एग्जैक्टली सिर्फ 5 दिन हुए हैं, एंड मुझे day 1 पे ही जाते ही उन लोगों ने इंस्टेंटली लैपटॉप IT डिपार्टमेंट से दिलवा के पकड़ाया. एंड जो CS मैडम जो रिज़ाइन करके जा रही थी, वो इतनी रिलैक्स हो गई मुझे देख के, बिकॉज उन्होंने बोला थैंक गॉड फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है एंड आप आ गई, बिकॉज ये इतना ज़्यादा काम है एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल, और वैसे भी मैं रिज़ाइन कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिए प्लीज़. तो मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई बिकॉज मुझे डायरेक्ट CFO और MD के साथ बिठा दिया गया, एंड वो दोनों मिलके मुझे सारी बातें बता रहे थे कि अभी तक का क्या सीन है, एंड वो ब्लाइंडली अज्यूम कर रहे हैं मुझे सब आता है बिकॉज मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ. तो मेरा प्रोफाइल, इट स्पीक्स फॉर माई सेल्फ, इसीलिए इट्स अ लिटिल डॉन्टिंग, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी लगता है. आपको वहाँ जाके आप ऐसे नहीं एक्ट कर सकते हो कि अरे यार मैं तो फ्रेशर हूँ एंड ऑल दैट. नो, अगर ये एटीट्यूड रखोगे तो तुमको फ्रेशर वाले ही पैसे भी मिलेंगे, 30,000 या 20,000. मैंने 60,000 की डिमांड किया, मुझे 60,000 मिला, एंड मैंने उनको बोला इंटरव्यू में दैट आई एम नॉट अ BCom ग्रेजुएट, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, आई एम नॉट बारगेनिंग, आई एम नॉट नेगोशिएटिंग विद यू, आई एम टेलिंग यू माई प्राइस. मैंने उनको इंटरव्यू में ये बोला था, ये चीज़ मैंने याद रखी थी, इसलिए जब मैं MD और CFO के साथ बैठती हूँ, 5 दिन में कम से कम 100 बार उनके साथ डिस्कशन करना पड़ता है, उन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है, वो मुझसे मांगते हैं, मुझे अपना डिमीनर, भले ही मुझे वो चीज़ नहीं आ रही है उस मोमेंट पे, उस चीज़ में मुझे खुद भी डाउट है, तो मैं उनको बोलती हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस कि ऑल राइट सर, लेट मी जस्ट लुक इन टू इट फॉर मोर क्लैरिटी एंड आई जस्ट गेट बैक टू यू. बिकॉज आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वहाँ जाके आप बच्चों की तरह नहीं रिएक्ट कर सकते. देयर एंड वो लोग सब 45-50+, देयर वेली ओल्ड पीपल एंड आई एम जस्ट 26-27 एंड आई एम लिटरली अ फ्रेशर. बट यू डोंट एक्ट लाइक अ फ्रेशर, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कम्प्लीटली, वरना अपना पोपट करा लो खुद ही. सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और ऑब्वियसली अगर आपको नॉलेज है, और अगर आपको एक सेक्शन में क्लैरिटी नहीं भी है, जैसे मुझसे रिसेंटली CFO ने पूछा था फ्राइडे को, क्या पूछा था मुझसे, उन्होंने मुझसे पूछा था समथिंग अबाउट एक डायरेक्टर हैं जो या वन डायरेक्टर, ही हैज़ गिवन हिज रेजिग्नेशन. तो उन्होंने पूछा था कि
नोटिस हमें बोर्ड मीटिंग का देना था, बट इन्होंने जो रिज़ाइन कर दिया है, अब इनको नोटिस जाएगा कि नहीं? तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर ऐसा होता है दैट अगर हम नोटिस जिस दिन दे रहे हैं, अगर उस दिन वो डायरेक्टर हैं, तो हमें इन्हें देना पड़ेगा, भले ही अगले दिन या एक मिनट बाद वो रिज़ाइन कर दें, बट वो एक मिनट पहले तक डायरेक्टर थे ना। इसीलिए मैंने उनको कहा कि सर वेट करिए, इनके रेजिग्नेशन को पहले आ जाने दीजिए। तो उनका रेजिग्नेशन लेटर जैसे ही आया, उसके अगले दिन हमने नोटिस सर्कुलेट किया, बिकॉज एज ऑन द डेट ऑफ हम जो नोटिस भेजेंगे वो डायरेक्टर नहीं होंगे, तो हमें उन्हें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऐसे करके मैंने एक्सप्लेन किया। सो यप, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, मुझे खुद काम सीखना पड़ रहा है, पूछ पूछ के। प्रीवियस जो कंपनी सेक्रेटरी मैडम है, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं मेरे साथ, वो बहुत अच्छी हैं। और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो हमारे सारे फॉर्म्स फाइल करते हैं, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ। एंड CFO सर जो हैं, आई मेक श्योर कि मैं बेवकूफ़ ना दिखूँ ने मतलब कि ठीक है यार, अभी इंसान ही है, सीखते सीखते आ जाएगा। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं उनको बोल देती हूँ कि सर लेट मी जस्ट लुक इन टू दिस एंड ऑल दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी आ ही जाएगा। वैसे भी वो CS मैम जो थी, वो जो रिज़ाइन कर रही हैं, वो बोल रही थी कि इट्स फाइन, उन्हें भी 2 साल तो लगी गए सीखने में। सो इट्स ओके, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितना जल्दी सीखते हो चीज़ों को। हाँ, एनी वे, अभी तो मुझे सिर्फ 5 ही दिन हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से इस कंपनी में हूँ, बिकॉज आते ही पूरा नेक्स्ट, अभी एक अपकमिंग बोर्ड मीटिंग आ रही है, उससे रिलेटेड सारा काम मेरे ऊपर आ गया है। एंड और ख़तरनाक बात यह है कि एनुअल जनरल मीटिंग भी मुझे ही कंडक्ट करनी है, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं करी। मैंने बोर्ड मीटिंग तक कंडक्ट ही नहीं करी है कभी, और ये सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब मैं कर लूँगी। बिकॉज ऑब्वियसली यार, हमने SS1 SS2 कितनी बार पढ़ा है यार, हमने बोर्ड मीटिंग नोटिस ये सब ड्राफ्टिंग और हर जगह पढ़ा हुआ है, एंड वी आर बोर्ड ऑफ इट। हमें बस हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं चीज़ें, हमें लगता है यार हमसे करवाओ प्रैक्टिकली। एंड अब जो मुझे सडनली आउट ऑफ नोवेयर प्रैक्टिकली करना पड़ रहा है, तो आई एम अ लिटल थोड़ा सा तो वो लग रहा है कि ओके, मैंने कभी किया नहीं। बट मैं इस एटीट्यूड के साथ जाऊँगी कि आई हैव वर्कड विद द रीजनल डायरेक्टर, सो दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, दैट्स इट। एंड एनी वे, वहाँ पर वो लोग भी काम करने ही आए हैं, और आप समझ के चीज़ों को आराम से करिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कंपनी या डायरेक्टर से कुछ नॉन कंप्लाइंस हो गया, तो तलवार किसके सर पे लटकती है, डायरेक्टर या फिर CS पे? और CS, ओके ठीक है। देखो यार, अभी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस ईयर के साइन होने के लिए आए हैं, जिसमें 2 डायरेक्टर, CFO और मैं कंपनी सेक्रेटरी, हम 4 लोग साइन करेंगे, 2 डायरेक्टर, जिसमें से 1 डायरेक्टर एक MD CEO है, 1 CFO है, और 1 मैं हूँ कंपनी सेक्रेटरी, जो मैं 5 दिन पहले आई हूँ फाइनेंशियल ईयर्स। और ये स्टेटमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर की है? पिछले साल। अब पिछले साल में क्या क्या काम हुआ है वो मुझे 5 दिन में तो नहीं पता चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि एवरीथिंग इज़ ट्रू एंड फेयर, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो भी बनाया है, हम उससे सवाल जवाब करेंगे अभी बोर्ड मीटिंग में कि एंड ऑल जो भी, या फिर उसको भी जो डाउट्स हमसे पूछेगा। एंड हमें भी ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि कंपनी का कंप्लायंस रिकॉर्ड, एक्चुअली जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी उससे पहले ही मैंने देखा था इस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है, द कंपनी इज़ गुड, बिकॉज यार लिस्टेड कंपनी की एसोसिएट है, दे हैव टू मेंटेन दैट यार, वरना बहुत सारे फालतू रेगुलेटरी झंझट में पड़ जाएंगे। सो ऑब्वियसली अगर नॉन कंप्लायंस होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल कौन है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो बस अगर जैसे किसी फॉर्म में इशू है, तो देखा जाएगा फॉर्म किसने साइन किया है। तो अगर डायरेक्टर या MD ने किया है, तो उनको नोटिस चला जाएगा। वैसे बेसिकली अगर, जब मैं RD ऑफिस में थी, तो वहाँ पे अगर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें अगर होती हैं, तो मास्टर डेटा से सारे डायरेक्टर्स का ईमेल निकाला जाता है, सारे कंपनी सेक्रेटरी, CFO, बेसिकली जो भी की मैनेजरियल पर्सनल हैं इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, सबका ईमेल और फ़ोन निकाल के रजिस्टर्ड पोस्ट पे सबके एड्रेस पे भी फिजिकली एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है कि ये नॉन कंप्लायंस आपसे हो गया है, उसको ठीक करो। तो ये तलवार गिरने की बात नहीं है, थोड़ा कॉशियस रहो, लेकिन अगर हो गया नॉन कंप्लायंस, अगर गलती से, तब भी यार अगर उसका पेनल्टी वगैरह है तो भरनी ही पड़ती है फिर, ठीक है। और CS को नॉन कंप्लायंस की वजह से पेनल्टी अपनी पॉकेट से या कंपनी देती है और जेल जाना पड़ता है,
वैसे यार बुक में तो यही लिखा होता है कि अगर नॉन कम्प्लायंस है तो कंपनी नहीं पे करेगी, आपको खुद ही अपने पॉकेट से पे करना होगा। अब वैसे एक DNO इंश्योरेंस भी होता है ना, तुम्हें पता है ना, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस, तो बेसिकली हमें कंपनी ही इंश्योर करती है कि अगर नॉन कम्प्लायंस हुआ भी तो हम एक सर्टेन अमाउंट तक आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुछ कंपनीज DNO, जैसे हमारी कंपनी भी है, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस देती है, ठीक है। वैसे कोई भी नॉन कम्प्लायंस नहीं करना चाहता यार, बिकॉज ये अपने करियर में एक ब्लैक मार्क लग जाएगा, नोबडी वॉन्ट्स टू डू दैट। ये सब स्कैम रेयर चीज़ें होती हैं और ये सब कोई जानबूझ के करना नहीं चाहता, वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इसलिए कुछ लोग कर जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। और जेल जाना यार, बहुत सारी चीज़ें डिक्रिमिनलाइज कर दी गई हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस। अब बहुत ही कुछ रेयर केस ऐसे हैं जब जेल भेजा जाएगा, वो भी डायरेक्टर्स को भेजा जाता है मोस्टली, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। ओके, विल यू रिकमेंड अ क्वालिफाइड CS फ्रेशर टू टेक प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस? हैव यू टेकन द सेम? नो, आई हैव नॉट टेकन एनी ऑफ दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें अभी मुझे पता नहीं है प्रैक्टिकली। पहले मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा पहला जॉब है, पहले मैं आराम से सब कुछ ऑब्जर्व करूँगी, यहाँ कैसे काम होता है उस कल्चर को देखूँगी, सीखूँगी यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये सारी चीज़ों से मुझे डर वर बिल्कुल नहीं लगता है कि नॉन कंप्लायंस हो गया एंड ऑल दैट, ये सब नॉनसेंस है। आप जाने से पहले ही ये देख के जाओ कि आप कहाँ जा रहे हो। ऑब्वियसली हो सकता है आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा ना पता हो, लेकिन अगर आपको कभी भी हल्का सा भी रेड फ्लैग फील होता है ना, जस्ट टॉक टू देम और ड्रॉप योर रेजिग्नेशन बस। बिकॉज अल्टीमेटली मतलब ये गलत गेम खेलना नहीं चाहिए किसी को भी, कि आपका कोई CS फ्रेंड है जो वर्क फ्रॉम होम करता है जॉब में। एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग थी वर्क फ्रॉम होम, लेकिन जॉब में तो यार मैंने तो नहीं देखा, बिकॉज मेरा भी ऐसा नहीं है। बिकॉज यार देखो, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम वर्क फ्रॉम होम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ रहना पड़ता है। मतलब मेरी जो सीट है जहाँ मैं बैठती हूँ, जो एरिया है मेरा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेंबर के जस्ट बगल में चिपका है, बिकॉज दे नीड मी ऑल द टाइम, CFO बेसिकली, बिकॉज वो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर CFO हैं, एंड उन्हें हर चीज़ में क्लैरिफिकेशन है, कोई भी चीज़ इंस्टेंटली चाहिए होती है। आप वर्क फ्रॉम होम में वो कन्वीनियंस, वो पर्सनल बात, मतलब वो क्या बोलते हैं, इन पर्सन बैठ के जो डिस्कशन होता है, वो चीज़ आप वर्क फ्रॉम होम में तो नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। तो CS को, आई एम सॉरी, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है फॉर्म्स देती हूँ, बट कंपनीज में तो आई डोंट नो, मेरा तो नहीं है। एंड किसी फ्रेंड, कोई मेरा फ्रेंड भी नहीं ऐसा, इनकेस कंपनी इज डिफरेंट सिटी फार फ्रॉम होम टाउन, देन यार कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी को लगता है तुम अगर इस लेवल के कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो कि तुम ऑनलाइन सब हैंडल कर सकते हो, तो आई थिंक फॉर्म तुम्हें प्रोवाइड कर देगी, बट फ्रेशर्स को तो आई डोंट थिंक कोई देता होगा। उसके लिए BPO टाइप्स जॉब ज्वाइन कर लो, तो उसमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, या कोई MNC में। ओके ओके, जब आपने कंपनी ज्वाइन की एज CS, तो आपकी कंपनी वालों ने आपको अलग से कोई अच्छा, ये तो हो गया ना, ये दो बार एक ही आ गया। ओके वेट, दो बार एक ही स्क्रीनशॉट आ गया है, इतना ही है क्या? एक और था, 1 सेकेंड, या एज यू कैन सी, हाँ दिस वन। अगर हमने 15 डेज़ ऑनलाइन CLDP कंप्लीट कर ली है एंड 15 डेज़ ऑफलाइन में 3-4 महीने बाद ICSI कराएगा, तब तक हमें ऑफलाइन CLDP के वेट करना पड़ेगा? हाँ, मैंने किया था वेट, मैं बता रही हूँ ना, मेरा ऑलमोस्ट 4-5 महीने वेट करना पड़ा। तो मैंने जैसे ही ऑफलाइन ख़त्म करी, मुझे रीजनल डायरेक्टर में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, और वो RDO ऑफिस में काम करने के लिए मैंने कम से कम समझ लो 4-5 महीने पहले अप्लाई किया था, और उनका इतने टाइम के बाद रिप्लाई आया। तो बेसिकली सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हो गया एक साथ, तो दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड अच्छा, वो मेरा टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज हो गया। पर ना कोई बात, तब तो कोई टेम्प्रेरी जॉब चाहो तो ले सकते हो, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी बन के बोल सकते हो कि मेरा बस इतना फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, आई एम सेमी क्वालिफाइड, बस मेम्बरशिप पेंडिंग है, सब बोल सकते हो। एंड 30-40 हज़ार में जॉब शायद मिल जाए, बिकॉज ऐसे जब मैं CLDP में थी तो बहुत लोग कर रहे थे, फर्म में काम कर रहे थे, उनका 30-40 हज़ार का सैलरी था, असिस्टेंट CS नाम से करते थे काम। और हमको जिस साल मेंबरशिप नंबर मिलेगा उसी साल हमें मेंबरशिप फ़ीस पे करना। यस टोटली, मैंने शायद 7,500 पे किया है, हाँ 7,500 पे किया। पहले तो CLDP के लिए 7,500 पे किया ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद 7,500 मेंबरशिप नंबर के लिए। उसमें एक किट मिली थी जिसका मैंने वीडियो डाला है, देख सकते हो। और CPRs कंप्लीट करना एप्लीकेबल,
होगा क्या? हाँ ऑब्वियसली, लेकिन सी पी आर्स का कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया है. हमें इस साल मतलब मेरी जब मुझे मेंबरशिप नंबर मिला तो मुझे वो सी पी आर्स अभी एप्लीकेबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा मुझे सी पी आर्स. बाकी हर साल बदलता रहता है तो चेक कर लेना कितना ईयरली एक्सपेंस आता है. ईयरली कोई एक्सपेंस नहीं है, हर साल बस मेंबरशिप रिन्यू कराने का कुछ 2500 होता है बस, और कोई एक्सपेंस नहीं है. वन टाइम एक्सपेंस होता है बस मेंबरशिप के लिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डी में सीएस इतनी कम सैलरी, सीएस में इतनी कम सैलरी क्यों ऑफर कर रहे हैं? देखो यार फ्रेशर को कम ही देते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी तुम्हें अगर 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो तुमको मिनिमम 1 लाख पर मंथ मिलेगा, बिकॉज सीएस की बहुत डिमांड है. ठीक है तो टेंशन मत लो और पैसों के बारे में एज अ फ्रेशर मत सोचो. बिकॉज तुमने अगर ये सोचा कि मुझे 40,000 ही ऑफर हो रहे हैं मैं नहीं करूँगी ये जॉब, तो ट्रस्ट मी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. जस्ट टेक द जॉब. अगर तुम्हें लगता है कि आई कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, कि चलो एटलीस्ट मेरे हाथ में कुछ तो है फॉर टाइम बिंग, जस्ट टेक द जॉब. बिकॉज खाली बैठ के तुम कुछ नहीं कमाओगे, तुम खाली बैठ के सिर्फ गंवाओगे, तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फालतू चीज़ें चलती रहेंगी. जस्ट टेक द जॉब. ठीक है इफ़ यू कंपेयर आर सेल्स विद सी ए, हमारी सैलरी बहुत कम है. देखो सी ए से मत कंपेयर करो, बिकॉज सी ए का काम एकदम अलग होता है. एंड एक्चुअली पता है पैसों को मत देखो, बिकॉज हाँ सी एस की स्टार्टिंग कम होती है लेकिन 2-3 साल के बाद बहुत सडन इंक्रीज़ होता है, अगर तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम आ सकते हो तो. ठीक है एंड दूसरी चीज़ ये है, सी ए एक्चुअली जो सी एफ ओ है ना हमारा, वो सी ए भी नहीं है. तो तुम समझ रहे हो सी ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हमारे लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते, रेयरली पहुँचते हैं. और हम लोग बस एग्ज़ाम क्लियर करके वी डायरेक्टली असिस्ट द बोर्ड, हम डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पर पहुँच जाते हैं एज कंपनी सेक्रेटरीज. एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो इस लेवल तक पहुँचते ही नहीं है. सी एफ ओ के लिए भी क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मैंडेटरी नहीं है. तो बेसिकली उन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस करने के बाद हो सकता है वो इस पोजीशन पे आए. और डायरेक्टर बनने के लिए भी आपको किसी कंपनी का बहुत साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड सी एफ ओ होने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वो पूरा हैंडल कर पाओगे. तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप देखो कंपनी को मैनेज किस लेवल पर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो अपने आप को सी ए से कम मत समझो, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा हो, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है. सी ए का इसलिए नाम बहुत ज़्यादा है बिकॉज सी ए में लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोग सी ए करते आ रहे हैं, तो हमने सुना बहुत है. सी एस अभी भी मैं किसी को बताती हूँ मैं सी एस हूँ, बोलता है अरे कंप्यूटर साइंस वेरी नाइस, तो आई एम लाइक शट अप मैन. ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इतना मत सोचो सैलरी. अभी जब तक यंग हो बिल्कुल भी मत सोचो सैलरी के बारे में, बिकॉज तुम्हें जहाँ 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस आया तुम्हारी इतनी ज़्यादा डिमांड होगी कि तुम जो बोलोगे बस तुम्हें उतना दिया जाएगा और उससे ज़्यादा दिया जाएगा तुम्हें रिटेन करने के लिए. बिकॉज इतनी ज़्यादा डिमांड थी, पहले लोग मुझे 50,000 ऑफर करते, फिर मैंने इन्हें बोला यार आई एम सॉरी इतने के लिए तो मैं अपने टाइम और एफर्ट्स नहीं दे पाऊँगी. एंड मेरे पास एक और ऑफर लेटर था तो उसको देखा के मैंने नेगोशिएट किया. सो एनीवे दैट्स डिफरेंट थिंग. अब अपनी स्किल्स टाइट रखो एकदम तो हो जाएगा. वॉट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड बिफोर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप एंड फुल टाइम जॉब? एक्चुअली स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्टिकलशिप होती ही इसलिए कि तुमको सिखाया जाए वहाँ पे. ठीक है बेसिकली एग्ज़ाम क्लियर कर लो एग्जीक्यूटिव, और प्रोफेशनल भी चाहो तो क्लियर कर ही लो, बिकॉज मैंने भी प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद ही ट्रेनिंग ज्वाइन करी, वरना यार एग्ज़ाम्स हो नहीं पाते हैं तुम्हें, क्योंकि ना आर्टिकलशिप में 24/7 काम कराएंगे. और ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम जितना काम कर लोगे अभी उतना समझ लो कि ये 2 साल की मेहनत बहुत अच्छा जॉब तुम्हें मिल सकता है. अच्छा जॉब डजेंट मीन कि अच्छे पैसे, अच्छा जॉब मीन अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट अच्छी है, ऑफिस इन्वायरमेंट जहाँ जा रहे हो वो लोग अच्छे हैं, डायरेक्टर्स एटलीस्ट तुम्हारे साथ थोड़े सिंपथेटिक हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं, सुनना चाहते हैं, ठीक है रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ें हैं. इसीलिए स्किल्स की तुम्हें आर्टिकलशिप में कोई ज़रूरत नहीं, स्किल्स तुम्हें सिखाई जाएंगी जो तुम्हारा प्रैक्टिसिंग सीएस अगर फॉर्म में जा रहे हो या जो भी टीम है सीएस की, वो लोग तुम्हें जो काम सिखाएंगे उसको पूरे शिद्दत के साथ सीखो. तो 100% वो स्किल्स तुम्हें, भले ही तुमने पता है एक बात बताऊँ, एक लड़की थी ट्रेनिंग में, वो बहुत रोती थी, बोलती थी अरे यार मेरे को सिर्फ प्रिंट आउट निकालने को देते हैं, मैं क्यों निकालूँ प्रिंट आउट, मैं सीएस बनने वाली हूँ मैं प्रिंट आउट क्यों निकालूँ, मैं ऑफिस बॉय थोड़ी ना हूँ. एंड फिर मैंने कहा उसको बोला कि ठीक है मेरे को प्रिंट आउट निकाल के दिखाओ, चलो अगर तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि तुम्हें ये नोटिसेस एजेंडाज का प्रिंट आउट सडनली उन्हें किसी चीज़ का चाहिए, एंड तुम्हारे पास अगर कोई ऑफिस बॉय नहीं तुम्हें वो मशीन ऑपरेट करनी नहीं आएगी, तो तुम डायरेक्टर्स को क्या बोलोगी कि ओ सर लेट मी वेट फॉर समवन, अगर उन्हें इंस्टेंटली चाहिए तो तुम क्या करोगी? तो मैंने उसको बोला ठीक है मुझे
प्रिंट ऑन बोथ साइड्स करके दिखाओ। तो उसको इतना भी नहीं आ रहा था कि लॉन्ग एज पे प्रिंट करते हैं कि शॉर्ट एज पे। तो मैंने उसको एक कोई काम छोटा मत समझो, ट्रस्ट मी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हें प्रिंटिंग जैसा छोटा काम में भी तुम गलती कर दोगे और तुम्हारा पोपट हो जाएगा। इसीलिए डोंट वरी, स्किल्स की तुम्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। सो आई होप दैट वॉज हेल्पफुल, एंड और क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना। बट तुम लोग यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट्स रियली टू मच नाउ। वैसे मुझे मज़ा भी आता है, एनीवे जब टाइम होगा तो बताऊँगी।